हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नया टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेसिस और उसके अंदर हमने स्फेरिकल सर्फेस में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होती है वो हमने डिस्कस किया था तो लेंस भी लेंस का भी जो सर्फेस होता है वो स्पेरिकल होता है ठीक है तो उसके अंदर भी सेम फिनोमेना हम यूज करने वाले हैं बट सबसे पहले एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं लेंसेस के बारे में और जो लेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स की किस तरीके से इमेजेस बनाते हैं ठीक है तो याद करिए हमने टेंथ में भी पढ़ रखा है लेंसेस हमने दो तरीके के पढ़े थे एक था आपका कॉन्वेक्स और एक था आपका कॉन्केव ठीक है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है कॉनकेव की कुछ शेप इस तरीके से होती है मतलब कि जो कॉर्नर से थिन हो सेंटर से थिक कॉन्वेक्स जो कॉर्नर से थिक सेंटर से थिन हो दैट इज कॉनकेव इस लेंस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जब भी हम इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सेस की बात करते हैं और यहाँ से मान लो बहुत दूर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जैसे ही इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ से काफी सारी रेज आती है ठीक है काफी सारी रेज पार्लर आती हैं और हमें पता है पार्लर टू फोकस ठीक है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ठीक है रिफ्रैक्शन मतलब कि अपना मीडियम चेंज करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहा एक तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं इकट्ठी हो जाती हैं दिस इज द फोकस ऑफ लेंस ठीक है तो सारी की सारी एक तरफ पे क्या हो जाती हैं कन्वर्ज हो जाती हैं दैट्स इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव में क्या होता है बहुत सारी रेज अगर पैलर आ रही हैं ठीक है पैलर आने के बाद क्या हो जाती हैं इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं अपने पास से डाइवर्ज हो जाती हैं और उनको जब हम वापस इमेजिनरी खींचते हैं ठीक है तो वो एक फोकस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, ठीक है थीके? तो इसे हम बोलते हैं फोकस जहां पर ये अपीयर्स टू मीट होती हैं, ठीक है थीके? ये तो डाइवर्ज हो गई अपनी तरफ से यहाँ पर अपीयर्स टू मीट होती हैं दैट्स इट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्चुअल एंड इमेज इमेज ये बनाता है और ये रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनाता है यहाँ पर एक्चुअली मीट हो रही होती हैं यहाँ पर अपीयर्स टू मीट होती हैं क्योंकि हम खुद करा रहे हैं एक्चुअल में तो वो क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है याद आया ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टेंथ में पढ़े हैं इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी पढ़े हैं है ना हमने बहुत सारे इसके अंदर केसेस भी पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो जब आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो बिटवीन फोकल पॉइंट एंड फोकस हो इन सब पे हमने जब पढ़ा था तो वो सारे केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे ठीक है ये हमने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था आई होप आपको ये रिवाइज़ होगा नहीं है तो हम फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसकी अगर आपको रिवीजन लेनी है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो आप आगे स्किप कर सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी एक बार रिवीजन ज़रूर लें ताकि आपको एक बार याद हो जाए सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाए साइन कन्वेंशन सब ध्यान में आ जाए तो अगर मैं पहले कॉन्वेक्स की बात करती हूँ तो जैसे कि ये है ठीक है अगर मैं इसको ऑफ बनाती हूँ टोटल तो एक एक ये स्फीयर बनता है ठीक है और एक ये है तो इसका एक ये स्फीयर बनता है है ना तो दो सर्फेसेस हैं दो स्फीयर्स बन रहे हैं यानी कि यहाँ पर इसका सेंटर होगा यहाँ पे इसका सेंटर होगा कुछ इस तरीके से होगा ठीक है तो मैं एक बार बनाती हूँ यहाँ पे बनाती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा जैसे कि ये चीज है ठीक है इसको अगर मैं कंप्लीट बनाती हूँ तो ये एक स्फीयर बनता है इसको अगर हम एक कंप्लीट बनाते हैं तो ये एक स्फीयर बनता है तो ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये हो जाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और यहाँ हो जाता है इसका फोकल पॉइंट F1, वन यहाँ हो जाता है इसका फोकल पॉइंट दैट इज F2 टू यहाँ सेंटर में होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है ठीक है और हम यहाँ पर बहुत सारे केसेस डिस्कस करते हैं अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम फोकस का डबल होता है तो इसको हम 2F1 भी बोलते हैं इनके हमने इसका डबल कर दिया और ये हो जाता है 2F2 हो जाता है ठीक है तो सबसे पहला केस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहला केस हमने क्या डिस्कस किया है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वो टकराने के बाद रिफ्रेक्ट होने के बाद कहाँ पर मीट करता है एट फोकस एफ टू फोक एफ टू पे आता है इमेज आपकी क्या बनती है रियल इन्वर्टेड बनती है डिमिनिश्ड बनती है ठीक है जब ऑब्जेक्ट कहाँ है एट इंफिनिटी है अब यहीं से ही दूसरा केस लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बियॉन्ड टू एफ वन या फिर बियॉन्ड सी वन ठीक है बियॉन्ड टू एफ वन तो क्या होगा फिर से बना देते हैं यहाँ पे ठीक है हो गया एफ वन ये हो गया टू एफ वन यहाँ हो गया एफ टू एंड दिस टू एफ टू ठीक है अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो क्या रूल कहता है पैरलर टू फोकस यहां से जाएगा ठीक है दूसरा क्या होता है फोकस टू पार्लर तो अगर ये इसको मैं ऐसे खींच देती हूँ तो यहाँ अगर फोकस से जाता है टकराने के बाद कहाँ जाएगा पैरलर जाएगा तो बियॉन्ड टू एफ टू इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन एफ टू एंड 2F2. ठीक है यहां पर बनेगी इमेज और कैसी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड बनेगी और स्मॉल बनेगी क्लियर है ये बात उसके बाद अगर मैं बनाती हूँ इमेज आ, अब आते हैं हम टू एफ वन पे ठीक है तो अब जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम रखेंगे टू एफ वन पे तो क्या बनेगा एट टू एफ वन तो ये हो गया एफ वन दिस इज टू एफ वन तो यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होता है पैरलर टू फोकस यहां से निकल जाता है दूसरा फोकस टू पैरलर और जहां इमेज बनती है वो इमेज होती है आपकी टू एफ टू तो इमेज कहाँ बनती है टू एफ टू पे बनती है सेम साइज की होती है रियल एंड इनवर्टेड होती है नेक्स्ट केस कहाँ आता है हमने ये भी कर लिया अब आएगा बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन ठीक है सो फोर्थ केस इज बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन अब क्या होगा दिस इज एफ वन दिस इज टू एफ वन और यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अब जैसे यहां ऑब्जेक्ट रखा है फिर से पहला केस क्या आएगा पैलर टू फोकस दूसरा फोकस टू पैरलर अब ये जो इमेज बनती है दिस इज बियॉन्ड टू एफ टू ठीक है दिस इज बियॉन्ड टू एफ टू ये बनती है इमेज इसकी एंड एंड लार्ज होती है साइज जितना भी होता है उससे बड़ी इमेज होती है ठीक है एंड रियल एंड इन्वर्टेड होती है हो गया फोर्थ केस अब हमने ये वाला पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा एट एफ वन सो फिफ्थ केस इज एट एफ वन सो so, यहाँ है एफ वन ठीक है सो पैरलर टू फोकस ठीक है अब क्या है फोकस टू पैरलर नहीं हो सकता ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा अब जैसे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधा इस तरीके से निकल जाती है ठीक है जब कोई भी इमेज इस तरीके से निकलती है ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे रिफ्रैक्ट सीधी निकल जाती है तो इमेज कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी सो ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट एफ वन इमेज कहाँ बनती है एट इन्फिनिटी एंड हाईली एंड लार्ज बहुत बड़ी इमेज बनती है ठीक है ओके सो फिर नेक्स्ट केस क्या आता है चलो हमने एफ वन भी कर लिया बिटवीन बिटवीन एंड अब नेक्स्ट केस आता है ऑप्टिकल सेंटर एंड ओ सो ये हो गया एफ वन दिस इज ओ यहां पे ऑब्जेक्ट है अब ठीक है तो क्या होगा ये बनेगी पार्लर टू फोकस ठीक है दूसरी कहां बनेगी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी सीधा अब देखो ये चीज तो ऐसे जा रही है है ना ये चीज ऐसे जा रही है तो अब क्या करेंगे हम इसको तो अब देखो यहां तो पैर जा रही थी तो हमें लग रहा था कि हाँ भी कहीं इंफिनिटी पे जाके मीट कर जाएगा बट अब ये इस तरीके से जा रही है यहां तो कहीं मीट नहीं करने वाला तो इसको जब हम बैकवर्ड हम लेकर जाएंगे इस तरीके से सो ये अब ये बनेगी इमेज इसकी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा तो इमेज भी आपकी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड थी इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो ये तो हो गया आपके डिफरेंट केसेस ऑफ कॉन्वैक्स लेंस ठीक है ऐसे ही सेम दो केसेस आपके कॉन con कॉनकेव के बनते हैं पहला केस तो आपका यही बनता है कि आपका जब पैलर से मिलती हैं और कहाँ मीट करती हैं फोकस पे मीट करती हैं और अगर बिटवीन कहीं भी रख देते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो भी आपकी कहाँ बनती है एफ़ और ओ uh, के बीच में ही इमेज आपकी बनती है ठीक है और हाईलाइट जो होती है ये आपकी डेमनिस्ड होती है तो इसीलिए ये होते हैं आपके कॉनकेव दैट इज डाइवर्जिंग जिसमें हमेशा वर्चुअल बनती है इसके अंदर सिर्फ एक केस में वर्चुअल है है बाकी समय रियल आई होप ये आपको सारा रिवाइज हो गया होगा अबाउट और डिफरेंट डिफरेंट केसेज ऑफ लेंसेस ठीक है अब हम बात करते हैं बेसिकली अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ अ लेंस तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अभी तो हम दिखाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं ठीक है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता अगर मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट डिस्कस करूं तो ध्यान से देखना क्या बनेगा ये एक लेंस है मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं ताकि आपको समझ में आए कैसा हो क्या रहा है तो ये देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है ठीक है ये ऑब्जेक्ट की रेज यहां से सीधा निकल रही है वी नो दैट यहां से तो एक सीधा निकलेगी ही निकलेगी क्यों क्योंकि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो यानी कि ये जो होगी ये परपेंडिकुलरली इसके ऊपर फॉल कर रही है और जो परपेंडिकुलरली फॉल करती है वो सीधी डायरेक्ट परपेंडिकुलर से ही रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाती है ठीक है इतना हमें समझ में आता है अब देखो अब यहाँ से काफ़ी रेज निकल रही होंगी तो एक हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है हमने यहाँ क्या दिखाया कि इस तरीके से निकल रही है ठीक है ये अगर नॉर्मली इसको मैं ऐसे ड्रॉ करती कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से गई और क्या हो गया यहाँ पर आ गई ठीक है यहाँ पे कहीं इमेज बन गई सी क्यों क्योंकि कन्वर्ज होना और एक सीधा ऐसे जा रही है तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ये आपकी इमेज बन गई यहाँ हमने दिखाया है बट अगर मैं इसको जूम इन करती हूँ तो एक्चुअल में होता क्या है कि देखो सबसे पहले तो ये सर्फेस आएगा आपका लेटेड सर्फेस भी ए बी सी एंड दिस सर्फेस इज ए डी सी पहला ये ये आएगा, अब एयर से हम लेंस में जा रहे हैं ग्लास में जा रहे हैं so it is N1, this is N2, और ये बाहर आएगा तो फिर से एन वन होगा ठीक है वी नो दैट जो एन टू है वो डेंसर है एन वन से तो हमारे यहां पे क्या होना चाहिए यहां पे क्या होगा ये है इसका परपेंडिकुलर ठीक है ये हो जाएगा इसका नॉर्मल अब क्या है रेयरर टू डेंसर जा रही है सो इट शुड मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल तो ये इस तरीके से टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है ठीक है ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है हो गया ये टूवर्ड्स द नॉर्मल अब क्या हो रहा है यहां जैसे ये आएगी अब यहाँ फिर से क्या ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अब ये रेयरर सॉरी ये अब डेंसर से रेयरर में जा रही है डेंसर से रेयरर में जा रही है डेंसर से रेयरर में जाने की वजह से इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ठीक है लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए इस तरीके से जाएगी क्लियर है ये बात तो इस चीज़ को जब हम जूम इन करते हैं इस चीज़ को जब हम जूम इन करते हैं तो हमें ये कुछ ऐसे दिखाई देती है कि टू टाइम्स जो है वो बैंड हो रही है पहले यहाँ बैंड हुई फिर ये यह यहाँ बैंड हुई और यहाँ जाके आपके फाइनल इमेज आई बन गई ठीक है सेम इसके साथ भी ऐसा ही होता है फर्स्ट टाइम डाइवर्ज होता है फिर दूसरी बार एक बार और डाइवर्ज होता है क्लियर है ये बात अब हमने क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करनी है इसका फॉर्मूला ठीक है इसी चीज का हमने फॉर्मूला निकालना है तो नाउ लेट डिस्कस अबाउट रिफ्रेक्शन हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं तो अब मैं क्या करने वाली हूं अब मैं यहाँ पर पहले तो एक इमेज बनाती हूँ नॉर्मल इमेज बनाती हूँ ठीक है कि क्या हुआ यहां ऑब्जेक्ट था ठीक है यहां से एक तो उसकी रे सामने निकली एक यहां से गई रिफ्रैक्ट होकर यहाँ उसकी फाइनल इमेज आई बन गई ये है सर्फिस ए बी सी ये है सरफेस ए डी सी ठीक है अब हो क्या रहा है अब ये जो है ये दो बार रिफ्रेक्ट हो रही है राइट दो बार रिफ्रेक्ट हो रही है तो हम क्या करने वाले हैं हम इस चीज को सबसे पहले तो फर्स्ट सरफेस से देखेंगे ठीक है तो फर्स, सर्फिर्स फर्स्ट सरफेस फर्स्ट सरफेस फर्स्ट ए बी सी अभी हमने एज्यूम करा है कि ए डी सी सर्फिस वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है तो ये रहा सर्फिस ए बी सी ए बी सी यहां है ऑब्जेक्ट एक तो रे सीधी चली गई ठीक है एक रे वैसे तो बहुत सारी रेज होती हैं लेकिन हमें पता है कि ली है, और एक रे लेते है, इस तरीके से यहाँ पे गई है ठीक है अब वी नो दैट यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो जैसे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल ऑफ एनी सर्फिस वो कहा से पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है ठीक है सो so, अब यहाँ पे अगर मैं ये फर्स्ट सर्फेस कंसिडर कर रही हूं तो इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वन मान लेती हूँ ठीक है अब ये जानी कहाँ चाहिए थी जानी तो सीधी चाहिए थी बट ये ये है रेरर मीडियम ये है आपका डेंसर मीडियम सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल लेट इट बी आई वन अब ये एक्चुअल में यहाँ पर नहीं आई है ये हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर आई है क्यों क्योंकि अभी तक हमने ये माना है कि ये सरफेस यहाँ पर नहीं है तो अगर ये सरफेस यहां नहीं होगा नहीं होता तो ये यहाँ पर इमेज आ जाती क्लियर है ये बात ठीक है बट ये सरफेस तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक और ड्रॉ करेंगे अब हम बात करेंगे सरफेस टू की सरफेस टू दैट इज ए डी सी इस सरफेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से ठीक है ये आ गया क्लियर इसको मैं ऐसे बना देती हूँ राइट right? इसको हम ऐसे बना देते हैं ठीक है अब क्या हुआ है एक्चुअल में यहां से आ रही थी ठीक है यहां पर आई बना आई वन बना तो जैसे ये आई यहां से आई वन बना ठीक है अब इस चीज को मैं यहां पे एक बार दिखाती हूं आपको कि एक्चुअल में अंदर में अंदर हुआ क्या है ये ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे गया फिर यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ ठीक है जाना ऐसे चाहिए था ठीक है लेकिन वो गया कहाँ पे इस तरफ गया राइट यानी कि एक बार गया एक बार रिफ्रैक्शन हुई अगर ये सरफेस ना होता तो ये यह यहाँ पे लाइन चली जाती डायरेक्ट लेकिन ये यह सरफेस यहाँ पर था तो एक बार और बैंड हो गई है ये दो बार बैंड हुई एक बार तो इस सरफेस की वजह से और एक बार इस सरफेस की वजह से ये बैंड हुई ठीक है तो अभी हमने ये फर्स्ट सरफेस में क्या ड्रॉ किया है फर्स्ट सरफेस में हमने ये ड्रॉ किया है ये चीज रेड वाली लाइन ये ड्रॉ करी है ये चीज जो अभी है नहीं है ये हमने इमेजिन करी है कि जब ये सरफेस ना होता तो क्या होता ठीक है तो ये यहां से ऐसे आ रही थी ऐसे आ रही थी ठीक है ये ऐसे आ रही थी लेकिन ये बेंड कहां कर गई है यहां पे बेंड कर गई है क्यों कर गई क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सर्फिस एज वेल राइट तो यानी कि इंसिडेंट रे तो ये थी राइट right? अब यहां पे फिर से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा दैट विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्फिस एंड इट इज अ सेकेंड सर्फिस सो वी विल नेम इट एज सी टू राइट अब क्या होगा अब ये ये इंसिडेंट है ठीक है ये है डेंसर मीडियम ये है रेरर मीडियम सो अब ये क्या करेगी नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है नॉर्मल तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए यहां पर इस तरफ इस तरफ आ जाएगी सो दिस विल बी द फाइनल इमेज दिस इज द फाइनल इमेज आई जो यहां पे बनेगी क्लियर है ये इमेजिनरी थी तो इस केस में हुआ क्या है इस केस में यह हुआ है कि ये जो इमेजनरी इमेज हमने बनाई है यह एक्ट कैसे कर रही है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है फॉर सेकेंड सरफेस कैसे हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से काफी सारी रेज ऐसे निकल रही होती हैं, ठीक है थिके? अब यहां पर देखो यहां पे एक तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ था है ना तो यहां से एक तो ये इमेज जा रही थी एक तो यहां से रेज जा रही थी राइट और एक इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी तो अगर जहां पर दो इंसिडेंट रेज मीट कर रही हैं ये देखो ना अगर ये ये तो आगे की तरफ जा रही है इसको अगर मैं पीछे की तरफ लेकर जाके मीट कराऊं तो एक ऑब्जेक्ट ही तो बनता है तो जहां पर इंसिडेंट रे मीट कर रही है वो एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है फॉर सेकेंड इमेज फर्स्ट सेकंड सरफेस क्लियर हुई ये बात तो ये सारी पिक्चर आपको इसी से ही क्लियर हो जाती है कि पहले ये थी इंसिडेंट फर्स्ट सरफेस की वजह से रिफ्रैक्ट हुई ठीक है अगर ये सेकंड सरफेस ना होता तो ये ऐसे जाती आई वन बनाती बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड सरफेस क्या हुआ है ये एक बार और बेंड हो गई है एक बार और बेंड हुई है और इसने एक्ट करा है एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस तो ये बनना ऐसे था ये टकरा के ये बना ऐसे है ठीक है तो इमेज फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई क्लियर हो गया होगा सारा। अब से से हम क्या बनाएंगे? यहां पर हम इसके डायग्राम इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे ठीक है तो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपका जो इंसिडेंट रे है वो एन वन से एन टू की तरफ जाता है एंड एन वन जो है वो आपका रेयरर मीडियम है एन टू आपका जो है डेंसर मीडियम है तो फॉर्मूला क्या बनता है दैट इज एन टू अपॉन में वी माइनस एन वन अपॉन में यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये किसके लिए था फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज फॉर वेन इंसिडेंट रे इज फ्रॉम एन टू एन टू एन टू एंड एन टू इज डेंसर देन एन वन ठीक है अब ये फॉर्मूला किस में लगने वाला है हमारा फर्स्ट सर्फेस में लगेगा तो फर्स्ट सर्फेस में लगाओ देखो एन टू एन टू अप ऑन में वी वट इज वी वी इज इमेज डिस्टेंस तो इमेज कहाँ से कहाँ बन रही है इमेज बन रही है आपकी आई वन बेशक वर्चुअल बन रही है बट दिस इज की अगर सरफेस टू नहीं है ठीक है अगर सरफेस टू ना होता तो सरफेस वन इमेज कहाँ बनाता आई वन पे तो ये हो गया आपका बी आई वन ऑल्सो वी नो दैट कि जब कभी भी आपकी इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में है तो हम क्या लेते हैं उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो राइट हैंड साइड में जितने भी हम मेजरमेंट्स लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के सारे मेजरमेंट्स आपके नेगेटिव के होंगे ठीक है so, सो ये हो गया एन टू अपॉन में वी वी इज बी आई वन सो दिस इज बी आई वन माइनस एन वन अपॉन में यू यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज ओ बी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है एंड इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे सो ये नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओ बी नेगेटिव इज द सेंटर ऑफ द कर्व सो बी सी वन विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड है पॉजिटिव साइड है सो so पॉजिटिव लेंगे तो दिस इज बी सी वन ठीक है अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन टू अपॉन में बी आई वन प्लस एन वन अपॉन में ओ इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में बी सी वन तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट सरफेस ठीक है अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट सरफेस में क्या है नेक्स्ट सरफेस में है ये है आपकी इंसिडेंट रे ठीक है इंसिडेंट रे है एंड दिस इज एन टू मीडियम राइट एन टू मीडियम एंड दिस इज एन वन मीडियम नाउ द इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम एन टू टू एन वन है ना तो जब हमारा एन टू से एन वन में आपका जो इंसिडेंट रे है जा रही हो और एन टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा हो हमारा एन वन से देन हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं सेकेंड फार्मूला फॉर सेकेंड सर्फेस फॉर सेकेंड सर्फिस फॉर्मूला क्या है हमारे पास तब ये जो जर्नल फॉर्मूला हमने लिखा है ठीक है जब इंसिडेंट रे एन वन से एन टू की तरफ जाती है और एन टू बड़ा होता है और ये हम लिखेंगे जब एन टू से एन वन की तरफ जाती है एंड एन टू बड़ा होता है एन वन से तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है दैट इज एन वन अपॉन में वी माइनस एन टू अपॉन में यू अब ये फॉर्मुले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ लिखते हैं तो अब यहाँ ध्यान से देखो इंसिडेंट रे ये आ रही है ठीक है अब इंसिडेंट रे जब एक प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करी तो वहां उसने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ठीक है तो इंसिडेंट रे इज स्टिल इन राइट एंड साइड ठीक है स्टिल इन राइट एंड साइड तो सारी राइट एंड साइड की जो डायरेक्शंस रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी जो लेफ्ट एंड साइड की डायरेक्शंस रहेंगी वो नेगेटिव रहेंगी क्लियर है ये बात ठीक है तो देखो आप क्या करेंगे एन वन अपॉन में वी वी इज इमेज डिस्टेंस अब इमेज कौन सी जो फाइनल इमेज बनी है फाइनल इमेज आपकी कहाँ बनी है व, आ, आई पे बनी है है ना आई पे बनी है सो दिस इज सरफेस ए डी सी ए डी सी तो हम यहाँ से यहाँ तक का यानी कि डी से आई तक का हम क्या मानेंगे ये आपकी इमेज बन गई तो डी आई आपकी इमेज बन गई ठीक है ओके नाउ माइनस एन टू अपॉन मी यू अब यू भी देखो कहाँ आपका राइट हैंड साइड पे ही यू है ठीक है वट इज यू हेयर यू इज अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था इस सर्फेस के लिए सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दिस विल बी डी आई वन और राइट हैंड साइड में ही है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है तो हम क्या करेंगे इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे सो दिस विल बी पॉजिटिव डी आई वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एन वन माइनस एन टू अपॉन मे आर वट इज आर हेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्फेस अब इस सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है दिस इज सेंटर, सो डी से लेकर सी टू तक जो है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में है सो वी विल टेक दिस डायरेक्शन एज बी माइनस ऑफ माइनस ऑफ डी सी टू डी सी टू ठीक है अब देखो इसको हम कैसे लिख लेंगे वी विल राइट एन वन अपॉन में डी आई माइनस एन टू अपॉन में डी आई वन अभी माइनस है तो माइनस के लिए हम क्या कर देंगे इसको भी माइनस ले लेते हैं ठीक है तो माइनस ले लेके क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा एन टू माइनस एन वन अपॉन में ये भी माइनस से माइनस कैंसिल डी सी टू हो जाएगा तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्विजन ठीक है अब ये हमारे लिए फर्स्ट सर्फेस के लिए आई ये हमारे लिए सेकेंड सर्फेस के लिए आई अब इन दोनों को हम क्या करेंगे एड करेंगे ठीक है बट उससे पहले हम कुछ एजम्पन्स लेंगे क्या एजम्पन्स लेंगे हम मानेंगे कि दिस दिस लेंस इज वेरी थिन सच दैट पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर क्लियर है ये बात सो वी विल राइट

पॉइंट आपका बी आई वन और डी आई वन भी ऑलमोस्ट सेम सेम होगा ठीक है हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर बी आई वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी आई वन ठीक है तो हम यहाँ पे ये यह मेंशन कर सकते हैं तो सो दिस पॉइंट बी आई वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी आई वन तो हम इस इक्वेशन में क्या लिख देंगे डी आई वन लिख देंगे ठीक है और यहाँ तो डी आई वन ऑलरेडी है ही राइट right? तो करो इस इक्वेशन को चेंज करो वी विल राइट एन टू अपॉन में बी आई वन की जगह क्या हो जाएगा डी आई वन सो डी आई वन प्लस एन वन अपॉन में ओ बी इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में बी सी वन अब सेम इक्वेशन ये लिख देंगे हम एन वन अपॉन में डी आई माइनस एन टू अपॉन में डी आई वन इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में डी सी टू अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे जब हम ऐड क्यों हम ऐड क्यों कर रहे हैं सो so दैट ये जो चीज़ है ये आपस में क्या हो जाए कैंसिल क्योंकि हमें वर्चुअल से मतलब नहीं है हमने तो एग्जैक्ट देखना है ना कि हमारी रियल इमेज कहाँ बन रही है और ये आई वन आई वन जो थी आपकी वर्चुअल थी ठीक है सो so इसलिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं सच दैट ये चीज़ पॉजिटिव ये चीज़ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी वी विल लेफ्ट विथ एन वन अपॉन मे ओ बी प्लस एन वन अपॉन में डी आई इक्वल्स टू अभी एन टू माइनस एन वन हम कॉमन ले लेंगे यहां आ जाएगा वन अपॉन में बी सी वन प्लस वन अपॉन में डी सी टू तो अब जो हमने ये चीज बनाई है ठीक है इस फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ तो अब मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया जो मैंने अभी अभी निकाला था अब देखो अब हम क्या करेंगे अब जैसे यहाँ पे एन वन है कॉमन ले लो एन वन ठीक है एन वन कॉमन लेकर आप क्या कर सकते हो यहाँ नीचे लेकर जा सकते हो ठीक है जब हम नीचे लेकर जाएंगे तो क्या होगा वन अपॉन में ओ बी प्लस वन अपॉन में डी आई वन सॉरी ओनली डी आई है डी आई वन ये डी आई है एंड यहाँ क्या हो जाएगा एन टू के नीचे आ जाएगा एन वन माइनस एन वन के नीचे एन वन कैंसिल होकर क्या आएगा वन और ये हो जाएगा वन अपॉन में बी सी प्लस वन अपॉन में डी सी टू अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो ठीक है और यहाँ अब साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन ठीक है जैसे कि हम OB OB इज इन द लेफ्ट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेंगे माइनस का U ठीक है इमेज जो डिस्टेंस होता है सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या आता है यहाँ पे लेफ्ट में है तो नेगेटिव आ जाएगा ठीक है डी आई डी आई तो डी आई जो है वो आपका राइट हैंड साइड में है तो वो आपका पॉजिटिव में रहेगा ठीक है प्लस भी रहेगा इमेज डिस्टेंस मैं यहाँ मैंशन भी कर देती हूँ दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज इमेज डिस्टेंस ठीक है एंड वट इज़ बी सी वन बी सी वन इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सर्फेस एंड इट इज़ इन द राइट एंड साइड तो प्लस आर वन लिखेंगे वन बिकॉज ऑफ सर्फेस फर्स्ट एंड डी सी टू डी सी टू एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकेंड सर्फेस एंड इट इज़ इन द लेफ्ट एंड साइड सो वी विल टेक इट एज नेगेटिव सो माइनस आर टू आ जाएगा अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो यहाँ मिलेगा वन अपॉन में माइनस यू और ये हो जाएगा वन अपॉन में बी सो वी कैन राइट वन बाई बी माइनस वन वन बाई यू ऐसे लिख दो तो ऐसे लिखो एक ही बात है इज इक्वल्स टू दिस इज एन टू बाई एन वन माइनस में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखना ये किसका फॉर्मूला होता था वट इज दिस फॉर्मूला विनो विनो फॉर थिन लेंस हमने ये लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है ना वन अपॉन में एफ इक्वल्स टू वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू टेंथ में हमने पढ़ रखा है वेयर एफ इज द फोकल लेंथ तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे दिस इज वन बाई एफ इज इक्वल्स टू नाउ व्हाट इज दिस दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन सो वी कैन राइट इट एज एन टू वन माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन r2 so this is called the lens maker formula okay this is lens maker formula क्लियर है ये बात कि मान लो कोई स्पेक्स बनवाने जा रहा है उसे अपना फोकल लेंथ पता करना है नंबर पता करना है तो वो कैसे बनाते हैं वो दो जो लेंस जो जो लेंस उठाते हैं उनका जो रेडियस ऑफ करवेचर होता है रिफ्रेक्टिव नेक्स होता है वो इसके अंदर पुट करते हैं देन जाके आपकी स्पेक्स बन पाती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसे हम लेंस मेकर फॉर्मुला कहते हैं ऑल्सो आपको पता ही है फॉर कॉन्केव लेंसेज जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी नेगेटिव एफ होता है एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑल्सो अगर हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज होती है ठीक है क्या होती है मैग्नीफिकेशन सबसे पहले तो मैग्नीफिकेशन को अगर हम डिफाइन भी करते हैं ठीक है ठीके? सो so, अगर मैग्नीफिकेशन को अगर हम डिफाइन भी करते हैं हाउ मैग्निफाइड द इमेज इज ठीक है सो इट इज़ द रेशो ऑफ ऑब्जेक्ट साइज अपॉन में सॉरी इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज ठीक है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहता है आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को कैंसल करके वन आ जाता है तो यानी कि दोनों का साइज सेम है अगर वन से बड़ा आता है कैंसल करके यानी कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है अगर वन से कम आता है ठीक है तो मतलब कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है क्लियर है इन एनी केस अगर आपको साइजेस नहीं दे रखे फिर भी मैग्निफिकेशन पूछिए तो उसके लिए आपके पास दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज वी अपॉन यू ठीक है दिस इज वी बायू अब व्हाट इज वी बाय यू दिस इज वी इज इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है अब यहाँ पर भी अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मान लो यहाँ पे आपके पास अगर मैग्नीफिकेशन कोई भी पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव का मतलब होता है जो नेचर रहेगी वो रहेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आती है सो so ये आपकी रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड ये रहता है इनका जो भी नेचर होता है ठीक है ऑल्सो अगर मैग्निफिकेशन वन है तो मतलब कि सेम साइज है ऑब्जेक्ट का और इमेज का अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है तो मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो एन बनी है एन इमेज आई है ठीक है और अगर आपका लेस देन वन है तो यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड ठीक है बट वन मोर थिंग अब इसके अंदर अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे कि m इक्वल्स टू माइनस थ्री अब यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस थ्री तो आपका वन से कम है तो ये मतलब कि डिमनिस्ड बन रही होगी नहीं इसका मतलब ये होता है कि माइनस जो साइन है वो इंडिकेट करेगा आपकी इमेज की नेचर को तो ये जो साइन होता है दिस इंडिकेट्स द नेचर ऑफ इमेज एंड दिस इंडिकेट्स द साइज ऑफ इमेज तो नेचर में नेगेटिव नेगेटिव मतलब रियल एंड इनवर्टेड एंड थ्री थ्री इज ग्रेटर देन सो इट इज अ इमेज क्लियर है ये बात ठीक है तो सेम चीज अगर पॉजिटिव में लिखी हुई है तो पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा और जो भी नंबर लिखा है वन से बड़ा है तो साइज बड़ा है वन से छोटा है तो साइज छोटा है क्लियर है ये बात सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन अब इसके साथ हमारे पास एक नुमरिकल था अब वो नुम करते हैं सो है, है? है? वो क्या है? क्या कहता कह रहा शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फोर सेवन डिस इंडेक्स ऑफ द लिक्विड कुड द लिक्विड बी वाटर तो क्या होता है स्कूल्स में भी या फिर कोई भी म्यूजिशियंस आते हैं कहीं भी शो करते हैं वो कुछ इस तरीके से भी करते हैं कि मान लो ये कोई एक ट्रफ है ठीक है जिसके अंदर कोई एक लिक्विड है राइट वो क्या करेंगे इसके अंदर ना एक लेंस गिरा देंगे ठीक है ये लेंस मान लो कोई इन्होंने लेंस गिरा दिया ये लेंस था ठीक है ये लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था वो था वन पॉइंट फोर सेवन उन्होंने इसके अंदर गिराया और जैसे गिराया वो हमें दिख नहीं रहा अब डिसअपियर्स ठीक है अब हमें वो दिखाई नहीं दे रहा जैसे उन्होंने गिराया अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमें बताना है कि इस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा क्या ये लिक्विड वाटर हो सकता है तो अब यहां पर सोचने वाली बात है कि अगर ये लेंस इसके अंदर आकर डिसअपेयर हो गया हमें दिख नहीं रहा है ना दिखने का मतलब क्या हुआ कि जितना ये डेंस है उतना ये डेंस होगा लिक्विड जितना ये ऑप्टिकली डेंस है उतना ये ऑप्टिकली डेंस होगा तभी हमें नहीं दिखाई दे रहा ऑप्टिकली डेंस का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या होगा सेम होगा ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात ठीक अगर मैं सेम बात आपको फॉर्मूले से एक्सप्लेन करती हूँ तो फॉर्मूले में क्या था हमारे पास कि एन टू हमने फॉर्मूला ये निकाला था ना कि ये वाला फॉर्मूला था एन वन अपॉन में एफ टू एन टू माइनस एन वन मे आर माइनस वन अपॉन में आर टू है ना तो अगर ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है दैट मीनस ये जीरो हो जाएगा है ना एन टू माइनस एन वन हो जाता है सेम हो जाता है तो ये हो गया आपका जीरो जैसे ही जीरो होता है यानी कि फोकल लेंथ आपकी फोकस जो होगा या तो वो ज़ीरो होगा या वो इन्फिनिटी होगा ठीक है वन बाय एफ वन बाय एफ ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स जो फोकल लेंथ होगी वो अप्रोच करेगी आपकी इन्फिनिटी को फोकल लेंथ हो जाएगी इन्फिनी यानी कि दूर इतना दूर कि हमें दिखाई नहीं दे रहा ये हो गया आपका मैथमेटिकल uh, अप्रोच uh, है ना दोनों का अगर रिफ्कटिव इंडेक्स सेम होता है तो वन बाई एफ हो गया जीरो जीरो का मतलब फोकल लेंथ हो गई आपकी इंफिनिटी यानी कि दूर तक देख रहे हो और दूर तक आपको दिखेगा ही नहीं है ना फोकस नहीं बन पाएगा तो वो आपको डिसअपियर ही लगेगा सो दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे यू विल राइट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मस्ट बी वन पॉइंट फोर सेवन That is n1 equals to n2, okay. In order to make the lens disappear, okay. This means is This means 1 by f will be equal to 0, that implies focal length will approach to infinity, okay. So अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी अप्रोच करेगी तो हमें क्या लगेगा कि जो लेंस है वो इसके अंदर क्या एक प्लेन शीट पता चलेगा ही नहीं हमें ठीक है द लेंस इन लिक्विड विल एक्ट लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास तो हमें दिखेगा ही नहीं वो ठीक अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है क्या ये लिक्विड जो है वो वाटर हो सकता है नहीं क्योंकि जो वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.47 नहीं होता ठीक है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे दिस लिक्विड इज नॉट वाटर ये क्या हो सकता है ये ग्लिसरीन हो सकते क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है ठीक है इट कुड बी इट कुड बी ग्लिसरीन अब आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है और अगर हम वाटर लेंगे तो हमें ये जो लेंस है वो क्यों दिखाई देगा वाटर का रिफेक्टिव इंडेक्स कितना होता है और ये हमें क्यों दिखाई देगा ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है तो ये था एक्जाम्पल नाइन पॉइंट सिक्स थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैनल